इसके आंकड़े ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस चरण में काफी भारी बहुमत मिली थी। ऐसे में पहले वो 8 अलग अलग आपको तस्वीरें दिखाते हैं चर्चा की शुरुआत करने से पहले कि कौन कौन से हाई प्रोफाइल चेहरों ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। अपनी टीम से बोलूंगी सबसे पहले उन 8 तस्वीरों को प्राइम टीवी की टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया जाए जिसमें कई हाई प्रोफाइल नेताओं ने और कई हाई प्रोफाइल चेहरों ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। गिरिराज सिंह के साथ ही माधवी लता, साक्षी महाराज, अर्जुन अल्लू, असदुद्दीन ओवैसी, सुरेश खन्ना के साथ ही सीबी नायडू और वाईएस मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश में इन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया है। तो जहां एक तरफ इस चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है तो वही कई दिग्गजों ने अपने मत का इस्तेमाल भी कर दिया है और इसके साथ ये चरण बीजेपी का मजबूत गढ़ है। ऐसे में कितनी चुनौतियां इस बार इंडिया अलायंस को मिलने वाली है या भारतीय जनता पार्टी का विजय किला इस बार ढह जाता है, आज इन्हीं सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे जिसके लिए मेहमान कुछ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। आम आदमी पार्टी से प्रखर श्रीवास्तव इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी से कृष्ण मोहन पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, वही दिलीप यादव जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अब से थोड़ी देर बाद स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ेंगे और समाजवादी पार्टी की तरफ से नितेंद्र सिंह जी भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं।
कृष्ण मोहन पांडे के साथ मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगी। देखिए कृष्ण मोहन जी, रण बहुत दिलचस्प है और सबसे ज्यादा अगर मुकाबला कहीं का रोमांचक है इस वक्त, तो वो है कन्नौज का, जहां 12 सालों बाद एक बार फिर से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और वो लगातार जीत का दावा भी पेश कर रहे हैं। पार्टी अपने विकासात्मक कार्यों से और देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इच्छा शक्ति लेकर इस देश के पहले बार 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, उस यात्रा को 2024 तक लेकर आए। देश की जनता ने विकास का वास्तविक स्वरूप देखा है। अब वो कन्नौज हो या हैदराबाद हो, इन दोनों जगहों पर या देश के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी का विकास पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए जो किया गया है वो जनता महसूस कर रही है। और जहां तक कन्नौज की आप चर्चा कर रही है, 12 वर्ष छोड़ दीजिए, 2014 के बाद से उस कन्नौज में समाजवादी पार्टी समाप्त वाली पार्टी बन गई है। वहां की जनता ने महसूस किया कि पिछले 40 वर्षों तक उत्तर प्रदेश को सपा बसपा कांग्रेस जिस तरह से चला, और वो चलावा कन्नौज के साथ भी हुआ, परंतु 2014 में जब हम वहां पे विकास की धारा बहाए तो वहां से हमारे प्रत्याशी सुब्रत पाठक जी चुनाव जीते, और जीते ही नहीं पूर्ण बहुमत मजबूती से जीते, और आज कन्नौज की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ खड़ी है। वही हाल आज हैदराबाद के साथ खड़ा है। आप देखेंगे ढेर सारे पर्ची वोटर्स थे वहां पे, भारतीय जनता पार्टी ने इनको इलेक्ट किया, हटाया, और आज देखिए वहां पे माधवी लता जी मजबूती से लड़ रही है, और सारे समुदाय का वोट, सबका साथ सबका विकास जिस परिकल्पना को लेकर हम आगे बढ़े थे, सारे समुदाय का वोट माधवी लता जी को मिल रहा है। और इस बार तीसरी बार एक सशक्त नेतृत्व में देश के सत्ती प्रधानमंत्री जी का राज तिलक होने जा रहा है, और ये जितने भी अभी वर्तमान में जो आज चौथे चरण का जो मतदान हो रहा है, ये मतदान तय कर दिया है कि हमने जो नारा दिया था अब की बार 400 पार वो पूर्ण होने जा रहा है। देश में एक सशक्त सरकार बनने जा रही है, और देश के जो वास्तविक मुद्दे अभी जो बचे हुए थे उसको पूर्ण करने के लिए समाप्त करके एक नए भारत का जो हमने परिकल्पना दिया है, जो दुनिया के मानक पर आमने सामने होकर देखे कि भारत वो राष्ट्र है जो तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, भारत वो राष्ट्र है जो तेजी से अपनी सारी व्यवस्थाओं को ठीक करके दुनिया के मानक पर खड़ा हो गया है, ऐसी परिकल्पना लेकर हम जो चले थे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नितेन सिंह जी, आपने परिकल्पना तो सुनी ली होगी कृष्ण मोहन पांडे जी की, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि कन्नौज में इस बार समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी बन जाएगी और हमारे ही प्रत्याशी और जो मौजूदा सांसद है वो प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। मुस्कान जी, गालिब का शेर है कि वो पूरा मुझे नहीं याद है कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, तो कृष्ण मोहन जी के लिए दिल बहलाने के लिए थोड़े दिन के लिए, चूंकि इसके बाद तो इनको अभी बहुत पछताना है, तो थोड़ी देर के लिए इनको अपने मन में संतुष्टि देने के लिए अच्छा है कि ये बोल सकते हैं। आज मैं जो बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की जिन 13 सीटों में चुनाव होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट दावे के साथ नहीं कह सकती कि हम ये सीट जीतने जा रहे हैं। हम लोग शुरू कर रहे हैं कानपुर से, अगल में अकबरपुर सीट भारी बहुमत जीतने जा रहे, इस बार हम इटावा जीत रहे हैं। कन्नौज में तो बात ही छोड़ दीजिए, अभी इनको जब स्थिति ये हो गई कि लखनऊ से दो दो डीएम दो दो एसपी भेजने पड़ रहे हैं कि किसी तरीके से कन्नौज में जाकर के मैनेजमेंट करिए, जाकर के एक तरफा चुनाव हो गया है। हम लोग लगातार वहां की स्थितियों का देख रहे हैं, मतदाता के अंदर जिस तरीके स्वतः स्फूर्ति अंदर से उसके अंदर जो करंट है वो बदलाव का वो दिखाई पड़ रहा है। वहां के प्रत्याशी अपनी भाषा का संयम खो चुके हैं, कहीं किसी जात समूह को गाली दे रहे हैं, कहीं किसी समुदाय को, कभी बर्मा लोगों को कह रहे हैं तुम्हारा वोट खरीदा है, इस तरीके की वो भ्रमित हो चुके हैं। कन्नौज की तो बात छोड़ दीजिए, आप फरुखाबाद से शुरू कर दीजिए, इटावा आ जाइए, हरदोई आ जाइए, मिश्रिक आ जाइए, धौरहरा चले, आप लगातार किसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी दावा करने की स्थिति में नहीं है ये चुनाव जीत रहे हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इस बार जिस तरीके से इनको पूरे देश में अब तक आज की छोटे चुनाव को मिलाकर जिन 360 सीटों में चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को देख करके इनके नेताओं में हताशा निराशा छा चुकी है, इनकी भाषा बदल गई है, इनके मानसिक संतुलन बिगड़ गए, मुंह से बोलना कुछ चाहते हैं निकल कुछ रहा है। फिर और भी मेहमान है, उनसे भी ओपनिंग रिमार्क मिलूंगी जी। भाई जो कह रहे थे
इनको स्पष्ट आभास हो गया, अखिलेश जी को भी आभास हो गया कि वो कन्नौज हार रहे हैं। इसलिए आप देखे होंगी प्रदेश की सारी रैलियां छोड़कर और अखिलेश जी बार बार भाग के कन्नौज जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इस बार सुपड़ा साफ है, प्रदेश में रैलियां नहीं कर पा रहे हैं, उनको कन्नौज का उनको पता है कि यहां से हारे तो इस बार समाजवादी पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा कि हमारा नेता ही हार गया। तो अखिलेश जी प्रदेश का चुनाव छोड़ छोड़ के कन्नौज जा रहे हैं साहब, और कन्नौज में प्रचार कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में अपने पूरे मनोयोग से कार्य कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि देश का मूड देश के सच्चे प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, और उनके किए गए विकासात्मक कार्यों के साथ जाकर ईवीएम पे कमल का बटन दबाकर देश को सशक्त नेतृत्व दे रहा है। अच्छा ठीक है, लेकिन कृष्णमोहन पांडे साहब आप ये भी तो ना भूलिए ना, जब प्रधानमंत्री मोदी की 2014 में लहर थी तब भी इस सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव चुनाव जीती थी। बहरहाल दिलीप यादव जी, जितनी मजबूती से कृष्णमोहन पांडे जी दावा कर रहे हैं कि कन्नौज की लड़ाई एकदम आसान है, एक तरफा है, क्या ये कहना बिल्कुल उचित होगा क्या? देखिए एक बात बताएं कि जितनी पार्टियां दावा तो करेंगी, भारतीय जनता पार्टी जो है दो बार रह चुकी है तो वो तो और दावा करेगी, 400 पार तो करेगी, लेकिन जो है हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि यह जनता समझ चुकी है 10 साल के विकास में जो रोजगार की बात हुई थी, 2 करोड़ रोजगार की बात, वो रोजगार मिला नहीं। जो महंगाई की बात थी, महंगाई जो है 370-400 रुपए के सिलेंडर था वो 1150-1150 रुपए हो गए। जो भ्रष्टाचार का बात था, वो भ्रष्टाचार जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो है जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का केंद्र बना और सुप्रीम कोर्ट को जो है संज्ञान में लेना पड़ा, वो सब चीज़ें जो है देख के जनता ने जान लिया है कि जो है ये सरकार खोखली सरकार, जुमलों की सरकार है, इस वजह से बदलाव होने जा रहा है। मैं अभी जो है कल ही बात कर रहा था, मैं बिहार में बात कर रहा था, मैं सिक्किम में बात कर रहा था, मेरे दोस्त लोग वहाँ पे हैं जो है पत्रकार साथी हैं और देश के अन्य जगहों पे हैं, सब लोग जो है मोदी सरकार के 10 साल के जो है जो क्रियाकलाप है उसका जो है पूरा लेखा जोखा रख लिए हैं और वो बदलाव के लिए जो है तैयार हैं और पूरी तरह से बदलाव है। और जो 3 चरणों का जो है चुनाव हो चुका है उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी जो है हार रही है, और इस बार वाले जो है जो चुनाव है जो है मतलब आज चल रहा है इसमें भी जो है ये हार रही है। इस वजह से इनके जो है जो नेता हैं वो अनर्गल जो है कभी हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, मंगलसूत्र की बात करेंगे, आरक्षण की बात करेंगे, इन सब चीज़ों पे जो है बात कर रहे हैं। और एक चीज़ और सबसे बड़ी बात ये है, ये कहते हैं कि जो है आरक्षण या संविधान में संशोधन हम नहीं करेंगे। दरअसल क्या है, मनसा ये है कि जो है जो टॉप लीडरान हैं इनके जो है योगी हो गए, मोदी हो गए, अमित शाह हो गए, राजनाथ सिंह हो गए, ये टॉप लीडरान अपने मुँह से तो कह नहीं रहे, लेकिन इनके जो है जो छोटे नेता हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि आरक्षण समाप्त करेंगे, संविधान की समीक्षा करेंगे। तो एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन उसी के प्रतिक्रिया इन्होंने सोचा कि जो ये करेंगे तो लोग हमें जो है अच्छे से जो है अच्छा वोट देंगे, मतलब ज़्यादा बहुमत से जिताएंगे, लेकिन उसी का परिणाम ये हुआ कि जो है लोग ये बात जान गए कि जो है हमारे हक हकूक के लिए ये जो है भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से देश को जो है खोखला कर देगी। इस वजह से जो है वो उस परिणति को जो है न आने पाए, इस वजह से जो है एंटी बीजेपी जो है जो मूवमेंट चल रहा है वो है, और जो है इसमें निश्चित तौर पे जो है भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान करना पड़ेगा आज वाले चरण में। बिल्कुल भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है कृष्णमोहन पांडे जी, आपको ऐसे आकलन कहते हैं? थोड़ा समय दीजिएगा भाई के, अपने मित्र के एक एक बातों का जवाब दूंगा। इन्होंने सबसे शुरुआत की महंगाई में सिलेंडर से, मैं इनको बता देना चाहता हूं कि अभी जिसके साथ भैया कर रहे हैं 2004 में 400 रुपए का सिलेंडर था, बिल्कुल आपने सही कहा, परंतु 2013 में आपने 827 रुपए का सिलेंडर कर दिया था कांग्रेस पार्टी ने जिनके साथ करे हैं। 827 रुपया में जब हम भारतीय जनता पार्टी सरकार आई 2014 में तो हमने सिलेंडर पाया था, और हमने तो उसको ले जाकर 1100 हो गया, 1100 फिर 900 आया, और 900 मतलब इन्फ्लेशन रेट 27% होता है और आपका इन्फ्लेशन रेट 200% था। ये महंगाई का आपका आंकड़ा था, भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा था। इन्होंने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड भ्रष्टाचार का अड्डा था, इलेक्टोरल बॉन्ड, देश की सबसे बड़ी पार्टी जिसके पास सर्वाधिक सांसद है वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मात्र 35% लेती है और लोग खरीदते हैं, परंतु
65% इलेक्टोरल बॉन्ड को किसके नाम से खरीदा जाता है ये आप तय करेंगे। ये देश की जनता को बताइए कि 65% लेने वाले कौन लोग हैं। दूसरा विषय, इन्होंने कहा आरक्षण भारतीय जनता पार्टी समाप्त करना चाहती है। साहब हम विश्वास करते हैं संविधान में, हम लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं और संविधान को कोई छू नहीं सकता है। परंतु हाँ, मैं आपको एक किताब का नाम बताना चाहूंगा, हाउ द प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड इन इंडिया। उसको लिखने वाले जगजीवन बाबू के निजी सचिव थे और सहमति थी उनकी। उसके पेज नंबर 64 के पैराग्राफ नंबर 4 से लेके 9 तक पढ़िए, उसमें स्पष्ट कांग्रेस की विचारधारा दिख जाएगी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि नेहरू, इंदिरा और उनके परिवार के लोग नहीं चाहते थे कि आरक्षण इस देश में हो। और नेहरू जी का स्टेटमेंट है कि हम नैतिक रूप से, विधिक रूप से बधे हुए आरक्षण के लिए, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि देश में आरक्षण नहीं होना चाहिए। यह आपकी काली करतूत है। सब आप बात करते हैं आरक्षण पे, और हाँ, इस देश के एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण को काट कर एक वर्ग को देने के लिए आपने कर्नाटक में और देश के विभिन्न राज्यों में शुरुआत कर दी है, तो धन्य मनाइए इस देश के जुडिशियरी का, जिसने कहा नहीं ये गलत है। इस देश के दबे कुचले वंचित पिछड़े अल्पसंख्यकों के साथ जो होना चाहिए वो न्याय वो जुडिशरी तय करेगी। आप एक दल के लोग नहीं तय कर सकते हैं। ठीक है जी, नहीं जी मोहन जी एक बात कर रहे थे कि जो है एक मतलब धर्म विशेष के लोगों को जो है कर्नाटक में दिया जा रहा है, ये सरासर गलत है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, ये अल्पसंख्यक जो है माइनॉरिटी के, माइनॉरिटी में जो है जैन सिख ये सारे आते हैं, और जो आंकड़े इन्होंने प्रस्तुत किए हैं वो उन आंकड़ों का जो है जो बदनुमा दाग है वो भारतीय जनता पार्टी पे जो है लगा हुआ है। 35% इलेक्टोरल बॉन्ड कर रहे हैं आप, कोविड के जो है जो वैक्सीन बनाते हैं उस सीरम इंडिया से आप पैसे लेते हैं, हाँ आप जो है देश के साथ जो है वो सीरम इंडिया जो है वहाँ पे कोविशील्ड जो है यूके में बोल देती है कि जो है हाँ इससे जो है ब्रेन स्ट्रोक या जो है हार्ट अटैक ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, होती हैं, और तभी से जो है आप देखें कोविशील्ड मतलब कोरोना वैक्सीन पे जो है मोदी का जो है ये हटा दिया गया। तो ये आनन फानन में जो किया गया है ये सारी चीज़ें जो है जान चुके हैं, इन्होंने जो है सिर्फ देश को ठगा है, और वो चीज़ें जो है पूरी तरह से देश के प्रत्येक नागरिक को, इवन मैं बताऊं कि जो है ये चंद्रमोहन साहब बैठे हुए हैं टीवी डिबेट पे, अगर ये जो है स्टूडियो, चूँकि ये जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं, उनके भक्त हैं, सब कुछ है, अगर वहीं से बाहर जाएंगे तो हम जो बोल रहे हैं उसकी हकीकत यही है कि जो है वो भी इस बात को स्वीकार करेंगे, ऑन कैमरा नहीं करेंगे। हम जानते हैं अपने मित्रों को जो है भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग बैठे हुए हैं सब लोग आजीज आ चुके हैं, क्योंकि जो है जो एक नेतृत्व की बात हो रही है वो सिर्फ मोदी मोदी दिख रहा है, इसके अलावा किसी भी राजनेता का जो है कोई चेहरा नहीं है, कोई विचार नहीं है, उनकी भागीदारिता नहीं है, डिक्टेटरशिप है, इन सब चीज़ों से लोग आजीज आ चुके हैं। कहने का जो है बहुत अच्छा है, मतलब ढोल के पोल जो है सुहावने, ढोल के बोल सुहावने लगते हैं। नहीं 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 दिलीप जी, ये कहना भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि अब जनता के हाथ में फैसला है ना, जनता को तय करना है। अगर जनता के पास कोई अच्छा विकल्प नहीं है, जैसा कि अगर आपकी बात मानी जाए कि डिक्टेटरशिप है, तो जनता क्या करे? जनता इसी वजह से बदलाव के मूड में है, जनता बदलाव कर रही है, और 4 जून को जो है आप देखिएगा जो है दूसरी सरकार, एनडीए की सरकार बन रही है, प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, और जिस हिसाब से जो है, मैं एक चीज और बता दूं कि जो है कुछ जस्टिस ने, हाई कोर्ट के जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने जो है खुला चैलेंज दिया है नरेंद्र मोदी जी को, राहुल जी को, कि जो है आप डिबेट करें जी। आप जो है आमने सामने डिबेट करें, जो है हम बात करना चाहते हैं, जो अमेरिका में जो सिस्टम है, यूके में जो सिस्टम है, उस हिसाब से जो है डिबेट करें। आप जो है उस डिबेट के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, आप जो है यूट्यूबर जो आज तक जो है किसी भी जो है नेशनल मीडिया के जो है चैनलों पे जो है किसी ने अपना इंटरव्यू नहीं दिया, आज वो जो है यूट्यूबरों के साथ जो है अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं वो समझ रहे हैं कि हमारी जो है इस बार की जो है कितनों भी जो है कोशिश कर ले हताशा निराशा है, जिसका परिणाम ये है कि जो है वो यूट्यूबरों को जो है अपना जो है इंटरव्यू दे रहे हैं, या ऐसे जो है जो तथाकथित सोशल मीडिया है छोटे मीडिया पे जो है आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी निराशा और उनके जो है
आगामी जो है नहीं, जो नहीं दिलीप जी देखिए अब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग वैसे भी टीवी से ज्यादा फोन का रुख करेंगे, तो अगर वो देर है तो वो उनका अपना कॉल है भाई। लेकिन अब देखिए हमारे साथ वो भी जुड़ा है प्रखर श्रीवास्तव जी, अब सीधा पहले मैं उनका रुख करूंगी। प्रखर जी, संविधान को बचाने की लड़ाई, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई, ये तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच पहुंच रहे, क्या वाकई आपको लगता है कि ये सारे मुद्दे बीजेपी को बहुत बड़ा डेंट देने वाले हैं 24 में? मुस्कान आदमी जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्ता गणों को मेरा नमस्कार। हाँ जी, मैं भी बहुत ध्यान पूर्वक अपने मित्र, अपने भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कृष्ण मोहन जी को सुन रहा था जी। और उनके जब वो व्यक्तित्व पेश कर रहे थे तो मुझे एक शायरी याद आ गई, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक शायरी बिल्कुल बात करना चाहता हूँ। ये अमन बिक रहा है, ये चमन बिक रहा है, ये अमन बिक रहा है, ये चमन बिक रहा है, बाजारों में गरीबों का कफन बिक रहा है। ये अमन बिक रहा है, ये चमन बिक रहा है, बाजारों में गरीबों का ये कफन बिक रहा है, हमारी बहनों का तन बिक रहा है। बुरा ना मानिए मुस्कान जी, एक बात कहूं जी, इन भजपइयों के हाथों मेरा देश और मेरा वतन बिक रहा है। उसका भी आपको मैं बताना चाह रहा हूं, इस देश के अंदर आघोषित आपातकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगा दिया और अब जनता ने बहुत बहुत ही शांतिपूर्वक और विनम्रतापूर्वक देखते रहे और अब 4 चरण के चुनाव आज संपन्न होने वाले हैं। आज 4th चरण का चुनाव चल रहा है। 3 चरणों में चुनाव के दौरान हमने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उनके बयानों में उनकी हताशा और निराशा साफ साफ देखी। पहले चरण का चुनाव हुआ हमारे हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक वर्ग को किस तरीके से सबसे ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले घुसपैठिए मंगलसूत्र पर आ गए। मुस्कान जी, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का प्राइम मिनिस्टर इस तरीके का भारत के अल्पसंख्यक वर्गों को इस प्रकार से, इस भाषा से संबोधित कर रहा है, ये निंदा का विषय है। चरण के चुनाव दूसरा चरण चुनाव आया, पाकिस्तान की एंट्री हो गई। तीसरे चरण के चुनाव में मुस्कान जी आपके दर्शक भी बड़ा हैरत हो गए थे, अरे आपके दर्शक को तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी का हर एक एक कार्यकर्ता बहुत ही बहुत ज्यादा व्याकुल हो गया था, हैरत कर रहा था कि असल में इनके आका ने बोल क्या दिया। भारतीय जनता पार्टी के खुद के आका से भारतीय जनता पार्टी के जो आका थे उन्होंने अपने आका से ही बगावत कर ली, सीधा सीधा अंबानी और अडानी को लेकर आ गए और कह रहे हैं बड़े मंच से कि भर भर के पैसा टेम्पो में जा रहा है कांग्रेस कार्यालय में और वो भी काला धन। जब आप करूंगी पटना साहब का जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है, सीधे वो तस्वीरें दिखाऊंगी, फिर इसके बाद मैं चर्चा करूंगी, तब मेरा सीधा सवाल आपसे होगा। लेकिन देखिए पटना साहब की तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और पटना साहिब में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है, वहां वो पूजा कर रहे हैं। इस दौरान आपको ये बताते चले कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान देखिए लंगर प्रसाद जिसे कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो करवाते हुए नजर आ रहे हैं सिख समुदाय के बीच। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवा पग में नजर आ रहे हैं, उनकी ये तस्वीरें हैं जहां वो रोटियां बेलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना साहब की तस्वीरें हैं जिसको आप देख पा रहे होंगे, यहाँ उनकी एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है जहां वो सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं और सेवा भाव वाला ये रूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है जहां वो पग पहने इस वक्त पटना साहिब के अंदर मौजूद है, उनकी तस्वीरें हैं। और इसके साथ ही पटना में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक रोड शो भी होना है, उस रोड शो से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं, उनके जो प्रशंसक है वो कितनी बड़ी संख्या में मौजूद है। इस दौरान हम देख पा रहे हैं कि ये जो तमाम महिलाएं हैं इनमें उत्साह कितना है, इनमें जोश कितना है, इनमें उमंग कितना है,
ये वो तस्वीरें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को बखूबी दर्शाती हैं। महिलाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है, कहीं ना कहीं सिख समुदाय के बीच इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, और पटना साहिब सिखों का बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। और यही वजह है कि आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करने पहुंचे हैं, तो उससे पहले वो पटना साहिब पहुंचे हैं, जहां वो सेवा भाव के साथ ही उनके कला की तस्वीर देखने को मिल रही है। देखिए वो लंगर में भी शामिल हुए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माथा टेकते हुए नजर आए हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना साहिब गुरुद्वारे में आज मत्था टेका है, जिसके बाद वो लंगर में शामिल हुए, अपने हाथों से लोगों को वो प्रसाद परोसते हुए भी नजर आए। और देखिए ये प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें हैं सीधा पटना साहिब से। इस दौरान वो माथा टेकने के साथ ही लंगर बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं, लोगों को अपने हाथों से लंगर करवाते हुए नजर आ रहे हैं। और सेवा भाव की तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की पटना से सामने आ रही है, जहां देखिए वो लंगर प्रसाद में अपना सहयोग देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सिखों में ये मान्यता है कि सेवा ही सबसे बड़ा फल होता है। और देखिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक तरफ पहले लंगर प्रसाद बनाते हुए अपना सहयोग देते हुए नजर आए, तो उसके ठीक बाद अब वो अपने हाथों से लोगों को प्रसाद भी परोस रहे हैं, और जो लोग हैं उनके सामने वो इस तस्वीर को कैद भी कर रहे हैं अपने कैमरे में। और देखिए ये प्रधानमंत्री मोदी रोटियां बेलते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये वाकई एक खूबसूरत संविधान की ही तस्वीर है कि एक उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी जब भक्तिभाव में लीन होता है तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आती है, जहां वो लंगर प्रसाद को पहले छकते हुए नजर आ रहे हैं, इसके बाद वो पग बांधे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सिखों में एक मान्यता है कि जब भी आप गुरुद्वारा परिसर के अंदर पहुंचे तो आपका सिर ढका होना चाहिए। और जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे गुरुद्वारा परिसर के अंदर पटना साहिब के अंदर, तो वो पंजाबी अंदाज में नजर आए, जहां भगवा रंग का पग पहने हुए उन्होंने एक संदेश भी देने की कोशिश की है। और इसके साथ ही सिखों को एक कहा जाए कि साधने की कवायद पटना साहिब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, क्योंकि सिखों में कहीं ना कहीं एक आक्रोश देखने को मिल रहा था। और आज कानपुर में भी वोटिंग हो रही है, कानपुर में सिख समुदाय की खासी नाराजगी भी देखने को मिली थी, लेकिन उसी के बीच आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना साहिब पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं कानपुर की जनता को एक संदेश देने की कोशिश यहां से की गई है। जिस तरीके से एक पार्षद द्वारा सिख की पिटाई की गई थी कानपुर में, इसके बाद लगातार सिखों की नाराजगी थी, कानपुर में सिखों को टिकट भी नहीं दिया गया था, और कहीं ना कहीं जब सिख समुदाय को प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो इससे वो नाराज हुए थे, और उसी नाराजगी को दूर करने के लिए उन्होंने 10 साल में पहली बार एक रोड शो किया। और अब आज जहां एक तरफ कानपुर में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू है, तो इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी सिख समुदाय को साधने की कोशिश करते हुए पटना साहब पहुंचे हैं, जहां वो लंगर में शामिल हुए, अपने हाथों से लोगों को प्रसाद परोसते हुए नजर आए, और साथ ही साथ इस पूरे पल को जो लोग हैं वो कैप्चर करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे थे। तो जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना साहिब के अंदर मौजूद हैं, वो आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बाराबंकी में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है, बाराबंकी की जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा रुख करते हैं बाराबंकी का, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ माफ कीजिएगा मौजूद है। सभी जनता जनार्दन का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष अरविंद कुमार मौर्य जी, प्रदेश सरकार में मेरे साथ सहयोगी मंत्री श्री सतीश चंद शर्मा जी, सांसद बाराबंकी शुभेंद्र सिंह रावत जी, हैदरगढ़ के लोकप्रिय विधायक श्री दिनेश रावत जी,
विधान परिषद सदस्य श्याम सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी और जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती राजरानी रावत जी, पूर्व सांसद श्री बैजनाथ रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपने साबित कर दिया है कि हैदरगढ़ भारतीय जनता पार्टी के हृदय में बसता है। इतनी सुबह आपकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव का आज चतुर्थ चरण चल रहा है और चौथे चरण में लोग देश के अंदर 10 राज्यों में 96 लोकसभा सीटों पर मतदान कर रहे हैं। लोगों में अपार उत्साह है। इससे पहले 3 चरण पूरे हुए, 285 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है और आज 96 और सीटों पर मतदान होगा। पूरे देश के अंदर तीसरे चरण तक जो मोदी लहर थी, अब चौथे चरण में वह सुनामी बनने की ओर अग्रसर है। कारण है, पूरे देश से एक ही स्वर गूंज रहा है और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार का जो स्वर गूंज रहा है। बहनों और भाइयों, यह वैसे ही नहीं है, इसके पीछे कारण है, क्योंकि आज नया भारत देश और दुनिया के अंदर हुए परिवर्तन का साक्षी है। हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर हमारा सम्मान बढ़ रहा है, सीमाएं सुरक्षित हुई है, विकास के कार्य तीव्र गति से आगे बढ़े हैं और गरीब कल्याणकारी योजनाओं ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं, जो एक कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, इनके समय की सच्चाई यह है कि गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था। बहनों और भाइयों, नौजवान प्लान करता था और विकास के कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। आप याद करिए, आज मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, पिछले 4 वर्ष से 80 करोड़ लोग देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, पिछले 10 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा आयुष्मान भारत योजना के अंदर 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। बहनों और भाइयों, 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खोले गए, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है, 12 करोड़ घरों में शौचालय भी बने हैं, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर भी पहुंच गया है।
और बहनों भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान भी बन गए हैं। आप मुझे बताइए, ये जितना कुछ मोदी जी ने दिया है, क्या इसमें किसी का चेहरा देखकर जाति पूछ करके दिया गया क्या? नहीं, इसका एक ही पात्रता का आधार था और वह था सबका साथ और सबका विकास। मेरे भाइयों, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ कैसे किया जाता है, यह उदाहरण मोदी जी ने प्रस्तुत किया। गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, और ये भी कहा है भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार आएगी, राशन की योजना जारी रहेगी, किसान सम्मान निधि की योजना जारी रहेगी, बचे हुए लोग जितने भी हैं उन लोगों को भी मकान की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, एक मकान उपलब्ध करवाएंगे। और बहनों भाइयों, सरकार ने ये भी आश्वासन दिया है, मोदी जी ने ये भी आश्वासन दिया है कि भारत के अंदर 100% सिचुएशन के लक्ष्य की ओर ले जाने की दिशा में आगे बढ़ना है, क्योंकि भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना है। बहनों भाइयों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की मोदी जी की सरकार और दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का घोटालों का इतिहास। जब इनकी सरकारें थी, इनके कारनामे जग जाहिर है, कौन नहीं जानता इनके कारनामों को। इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी कि लूट खसोट करने की, हर जगह इन्होंने लूट खसोट के एक नए कीर्तिमान बनाने का काम किया था। बहनों भाइयों, आज इसीलिए मैं आपके पास बाराबंकी में आया हूं, बाराबंकी लोकसभा सीट पर आया हूं आपसे कहने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी आज देश के अंदर सम्मान भी दिलाने का काम कर रही है, सुरक्षा भी दिलाने का काम कर रही है, विकास के बड़े बड़े कार्य, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एक्सप्रेसवे, हर घर नल की योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, और यही नहीं एम्स, IIT, IIM, IIIT, NIT जैसे संस्थान भी बनाने का काम कर रही है। और इस सबसे बढ़कर के बहनों भाइयों, विकास है तो विरासत को भी संजोने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप मुझे बताइए, ये समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग तो राम मंदिर का विरोध करते थे कि नहीं करते थे ना? ये लोग क्या कहते थे, आज भी वो कह रहे हैं। कांग्रेस के एक बुद्धि तापा क्या कहते हैं भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ। इस समाजवादी पार्टी का महासचिव भी यही कहता है राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ। जब इनकी सरकारें थी तब क्या कहते थे, कोई कहता था परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कोई कहते थे राम हुए ही नहीं। बहनों भाइयों, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करना ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की हमेशा से यही उनके कारनामे रहे हैं। और इसीलिए जो राम भक्तों पर गोली चलाते थे, क्या उनसे आप उम्मीद करते हैं कि राम मंदिर का निर्माण कर देंगे? देखो, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, एक और राम भक्तों पर गोली चलाते थे और दूसरी तरफ आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को भी वापस लेते थे। और इसके बहनों भाइयों, आज हम सब आपके पास आए हैं, पूरा चुनाव अगर आप देखेंगे तो पूरा चुनाव राम भक्तों और
में जा चुका है। आप बताओ क्या राम द्रोही को हमारा वोट जाएगा क्या? रामगोपाल यादव के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें वो राम मंदिर के मुद्दे पर बोलते हुए नजर आए थे। तो साफ तौर पर कहा जाए कि जहां एक तरफ चौथे चरण का चुनाव पुरजोर तरीके से शुरू हो चुका है, तो इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ भी जनसभा के दौरान विपक्षी दलों पर हमलावर नजर आए। लेकिन उससे पहले ये 8 अलग अलग आप तस्वीरें देखिए जहां कई हाई प्रोफाइल चेहरों ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। इस दौरान गिरिराज सिंह, माधवी लता, साक्षी महाराज, इन तीनों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है। इसके साथ ही हैदराबाद में मशहूर अभिनेता अल्लू अर्जुन ने भी अपना वोट डाल दिया है। वही असदुद्दीन ओवैसी, जिनके ऑपोजिशन में खुद माधवी लता है, उन्होंने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया है। सुरेश खन्ना वित्त मंत्री हैं यूपी के, ये भी वोट डाल चुके हैं। सीबी नायडू आंध्र प्रदेश में भी इन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। और इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में वाईएस मोहन रेड्डी ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया है। तो चौथे चरण का जो चुनाव है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और लगातार ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें अभिनेता के साथ ही नेताओं के वोट डालने का सिलसिला भी जारी है, जहां एमएम कीरावानी ऑस्कर विजेता हैं, ये इन्होंने भी वोट डाल दिया है। वही चिरंजीवी जो कि अभिनेता है, इनकी कई फिल्में मशहूर हैं, हर एक बेल्ट में इनकी फिल्में देखी जाती हैं, आज इन्होंने भी अपना वोट डाल दिया है। वही रमेश चंद्रमा जी सांसद है बीजेपी के, इन्होंने भी वोट डाल दिया है। श्रीकांत जो कि अभिनेता है, ये वोट डाल चुके हैं। इसके साथ ही जितिन प्रसाद मंत्री हैं, ये यूपी सरकार में पीडब्ल्यूडी विभाग का एक अहम जिम्मा इन्होंने ले रखा है, इन्होंने भी अपना वोट डाल दिया। वही जेपीएस राठौर सहकारिता मंत्री हैं यूपी सरकार में, ये भी मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। रेखा वर्मा बीजेपी उम्मीदवार हैं, ये भी अपने वोट का इस्तेमाल कर चुके हैं। वही विजय चौधरी बिहार सरकार में मंत्री हैं, वोट का इस्तेमाल कर चुके हैं। तो लगातार कई अलग अलग तस्वीरों के जरिए हमने ये देखा कि लोगों से अपील तो ये नेता कर रहे हैं लेकिन खुद भी ये अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं और लगातार जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो जारी है। अब 11 बजे का तकरीबन समय हो चुका है, शार्प 11 बज चुके हैं और 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी, 3 घंटे से ज्यादा का समय बीत भी रहा है। शाम तक वोटिंग परसेंटेज और बढ़ने वाला है, थोड़ी देर इंतजार करने के बाद 11 बजे का जो वोटिंग परसेंटेज है ये भी सामने आ जाएगा। लेकिन फिलहाल आज का चुनाव बहुत दिलचस्प है क्योंकि जब आज चुनाव खत्म हो जाएगा तो 380 लोकसभा सीटों पर चुनाव पूरी तरीके से संपन्न हो जाएगा। फिर इसके बाद बचेंगे महज 3 चरणों की 163 सीटें और 163 सीटों में इसके बाद जनता अपने मत का इस्तेमाल करने वाली है। फिलहाल आज आधे से ज्यादा का चुनाव तो पहले ही संपन्न हो चुका है लेकिन आज और सीटों पर चुनाव है। 9 राज्यों के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश जिसमें जम्मू और कश्मीर शामिल है, इन सभी की कुल 96 सीटों पर सुबह से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। कई दिग्गज ऐसे हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है और इसके साथ ही साथ आज शाम कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज पूरे तरीके से हो जाएगा, जिसके बाद बचेंगे 3 चरणों के और चुनाव। और 3 चरणों के चुनाव संपन्न होने के बाद 4 जून को फैसला आ जाएगा कि अब आगामी 5 सालों के लिए जो जनता है उसने किसको जीत का ताज पहनाया है। लेकिन फिलहाल प्राइम टीवी लगातार सभी दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि आप घरों से बाहर निकले, अपने मत का इस्तेमाल करें क्योंकि आपका एक एक मत बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही हर एक चप्पे चप्पे की अपडेट प्राइम टीवी आप तक पहुंचाता रहेगा, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।